नमस्कार, मैं हूं पारुल गंगवार और आप देख रहे हैं यूपी की आवाज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। कहते हैं कि पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों का होता है, लेकिन आगरा में 7 जन्मों वाले इस रिश्ते को 2 दंपति कुछ सालों तक ही निभा पाए और इसका सबसे बड़ा कारण पत्नियों के अवैध संबंध थे। दरअसल पहला मामला थाना शाहगंज क्षेत्र का है। नगला महारावा खान में रहने वाले मुबारक की शादी कुछ सालों पहले ही शबाना के साथ हुई थी। दोनों के बीच में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तभी पड़ोस में रहने वाले सद्दाम ने मुबारक की जिंदगी में जहर घोल दिया। आरोपी सद्दाम का मुबारक के घर आना जाना था, ऐसे में शबाना की उससे नजदीकियां बढ़ गईं। इस बात को लेकर मुबारक काफी परेशान रहता था और बात इतनी बढ़ गई कि मुबारक और शबाना के बीच आए दिन झगड़ा शुरू हो गया। पति मुबारक द्वारा की जाने वाली मारपीट का कारण शबाना और सद्दाम के बीच अवैध संबंध थे। इधर मुबारक द्वारा आए दिन मारपीट किए जाने से शबाना भी बहुत परेशान होने लगी। इन सब के चलते शबाना ने अपने प्रेमी सद्दाम के साथ मिलकर मुबारक को रास्ते से हटाने के लिए एक योजना बना डाली। मुबारक वेल्डिंग का काम करता था और वह काम करने के लिए आगरा से जयपुर गया था। इस दौरान मुबारक की हत्या करने के लिए शबाना ने अपने प्रेमी सद्दाम को जयपुर भेज दिया, लेकिन जब सद्दाम जयपुर में अपने मंसूबों पर कामयाब न हो सका तो 6 जनवरी को मुबारक जयपुर से वापस आगरा आ रहा था। उसी के पीछे पीछे सद्दाम भी आगरा आया और आगरा पहुंचते ही उसे अपने साथ रात में खेत पर ले गया और पहले उसे शराब पिलाई। उसके बाद सद्दाम ने मुबारक के सिर पर सरिया से हमला बोल दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मुबारक को मौत के घाट उतारकर सरिया और उसका मोबाइल नाले में फेंक दिया था। इस घटना के बाद मुबारक के परिवार में कोहराम मचा हुआ था। पुलिस को घटना के संबंध में जानकारी दी गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। इसके बाद पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, पुलिस हत्यारे के नजदीक पहुंच गई। परिजनों द्वारा पुलिस को दी गई जानकारी के आधार पर यह सामने निकल आया कि मुबारक की पत्नी शबाना के हत्यारोपी सद्दाम से अवैध संबंध थे और अवैध संबंधों के चलते ही शबाना के इशारों पर आरोपी प्रेमी सद्दाम ने हत्या की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए हत्यारोपी प्रेमी सद्दाम और मुबारक की पत्नी शबाना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शाहगंज में 6 जनवरी को एक हत्या की घटना हुई थी, जिसमें एक कार मिस्त्री मुबारक नाम का था, उसकी हत्या कर दी गई थी। घटना के अनावरण में हमें सफलता मिली है। घटना के पीछे अभियुक्त ने पूछताछ में अवैध संबंधों की वजह बताई है। घटना कारित करने के लिए उसने अभियुक्त और मृतक दोनों आपस में मित्र भी थे, घर पे आना जाना भी था उनका। अभियुक्त ने मृतक को शराब पिलाई और जब वो नशे की हालत में आ गया तो एक सरिये के माध्यम से उसकी हत्या कर दी गई है। आला कतल बरामद हो गया है और 2 अभियुक्तों को पकड़ के इसमें जेल भेजा जा रहा है।